कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना। हमने मांगी नौकरी, तुमने दिया नमक तेल चना। साहब हम नौकरी मांगते हैं, हम आपसे नमक तेल चना पे नहीं है। चेंजेस हुए ये नहीं, इसको ठुकरा नहीं सकते, चेंजेस हुए हैं लेकिन उस इम्पैक्ट के साथ नहीं हुआ जिसको ये दावा करी है सरकार। कहते हैं तो देते हैं लेकिन जरूरी नहीं उतनी। नमस्कार, तरुण मित्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम आई है लखनऊ यूनिवर्सिटी, जहाँ की हम अपने ऑन गोइंग चुनाव के बारे में छात्रों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपनी डिमांड रख सके जिसके ज़रिए हम सरकार से सवाल कर सकें। हमारे साथ में कुछ छात्र हैं, हम उन छात्रों से अपनी या उनकी राय जानना चाहें। आपका नाम? हाय, मेरा नाम अनन्या सिंह है एंड मैं थर्ड ईयर बीए की स्टूडेंट हूँ। तो अभी तक आपने कोई वोट किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया। तो यहाँ मैक्सिमम जो वोटर्स हैं वो फर्स्ट टाइम में होंगे, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही उनको दूसरा मौका मिलता है। इस टाइम पे चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव को लेकर के आप लोगों के मन में भी कुछ न कुछ तो रहता ही होगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट से या प्रेजेंट टाइम की रिजिम जो चल रही है, इसमें आप ये बताना चाहेंगे कि आपकी क्या डिमांड है या फिर एज अ स्टूडेंट मतलब आप क्या चाहते हैं? देखिए, एज अ स्टूडेंट जैसे कि हम अभी ग्रेजुएट हुए तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट पे ही आएगा। तो अलॉन्ग विथ अ स्टूडेंट आई एम ऑल्सो जनरल कैटेगरी पर्सन, सो मेरे लिए कास्ट और उसमें फिर कट ऑफ्स एंड ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है एंड फिर एम्प्लॉयमेंट स्पेशली। यानी आप आरक्षण के मुद्दे पे, यानी आप मतलब आपकी कुछ एक नॉट एग्जैक्टली आरक्षण लेकिन आजकल जो कास्ट सेंसस को लेकर इतना जोर चल रहा है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल टॉपिक हो जाता है कि कहीं इसका मेरे ऊपर या फिर मेरे करियर पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो आप रिजर्वेशन को किस, मेरे लिए रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन कास्ट वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमिक बैकग्राउंड मोर। सो उस हिसाब से हम एक्चुअली जिन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तब बेहतर हो पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो न्यू कमर्स हैं या फिर नई जो जनरेशन है वो ऑन द बिहाफ ऑफ EWS आरक्षण ज़्यादा डिमांड कर रही है, ना कि ऑन बिहाफ ऑफ कैटेगरीज। नाउ मेरा नाम आकर्ष मिश्रा है और मैं बीए छठे सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो इस टाइम पे राहुल गांधी ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां अगर वो देंगे तो आप उनको चुनेंगे? देखिए, सिर्फ नौकरी देने वाली बात नहीं है, अगर सिर्फ नौकरी देने से ही कोई पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बन जाए तो ऐसा संभव नहीं है। नौकरी दे नहीं, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी के लिए, तो उसके बिहाफ पे उनकी तो सरकार बनी नहीं है। काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स थे या फिर ये कहा जाए तो वो तो साथ में थे जी। हाँ, अच्छा ही है। और मेरा भी मानना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को ठीक से उठा नहीं रहे हैं। सत्ता पक्ष, देखिए एक बात हम सभी जानते हैं कि लगभग सत्ता पक्ष की जीत तय है, और दूसरी बात जो है विपक्ष है वो भी बेरोजगारी का मुद्दा जो है उसको ठीक से उठा नहीं रहा है, वो भी जात पात में कास्ट सेंसर वगैरह खड़ा हुआ है। एज अ यंगस्टर आपकी चुनाव को लेकर के पॉलिसीज में या फिर आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी एज अ यंगस्टर तो हमारी सबसे पहले रोज़गार की प्रायोरिटी होगी कि जो सरकार हमें रोज़गार का वादा दे और रोज़गार के जो संसाधन खुले तो हम उसी को चुनना चाहेंगे, और उसके अतिरिक्त जो कानून व्यवस्था जिसमें ठीक रहे उसका चुनाव करना युवा चाहेगा निश्चित रूप से। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020, आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग कुछ कहना चाहें। इसमें तो सबसे बेहतर मुझे मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री प्लान सबसे बेस्ट लगा। यहाँ पे हमारा साल बर्बाद नहीं होता है, अगर हमें इन बिटवीन द कोर्स हमें हमारा अगर इंटरेस्ट कहीं डेविएट होता है तो हमारे पास जो ऑप्शन होता है कि हमने जो एक पर्टिकुलर साल या 2 साल उस पर्टिकुलर डिग्री में लगाई तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है, साथ में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अलॉन्ग विद दैट जो हमारे कोर्सेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो ऐड की गई है जिसमें हम अपने सब्जेक्ट के साथ साथ एक और सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट सीखते हैं, इससे हमारा जो होराइजन होता है सीखने का वो काफ़ी एक्सपैंड करता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है इस पॉलिसी में। अच्छी नीति है लेकिन मेरे विचार से आने वाले भविष्य में इसे और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कुछ गुंजाइश है गई। नई नीति पहली बार आई, मैं दोष नहीं देना चाहता किसी को लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ड्रॉबैक्स जिसके ओपिनियंस अगर आप देना चाहें NEP के जरिए, NEP में फिलहाल तो देखिए पिछली शिक्षा नीति के मुकाबले तो NEP विचार से बहुत अच्छी है और फिलहाल इसमें कोई ऐसा मेजर ड्रॉबैक नहीं है जिसे कि चिन्हित किया जा सके विशेष रूप से कि जो छात्रों के लिए संदेह हो। तो आपको लगता है कि ये NEP 2020 कुड बी अ गेम चेंजर फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि ईयर ड्रॉप बचेंगे और दूसरी बात ये है कि अब जैसे आया है कि एक छात्र एक साथ दो डिग्री कर सकता है
और तो उससे भी कुछ मैं बचा कि पहले जो लोग दो डिग्री करते थे उनकी एक डिग्री जगह माने नहीं होती थी, और इसके अतिरिक्त जो अपने और एक और को सीखने को मिल रहा है, तो मेरे विचार से ये सरकार की एक बहुत अच्छी चीज़ है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की, और अपने वृक्ष अलग वो एक रोज़गार का साधन खोल रही है, तो ये मेरे विचार से सरकार के लिए बहुत एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट डालेगा आम चुनावों पे? राहुल गांधी ने बोला है कि सरकार बनते ही गरीबी मिटा देंगे भारत देश की। आज से ना जाने कितने सालों से कांग्रेस की सरकार रही है भारत में, और आज तक गरीबी हटा नहीं पाए। पता नहीं कैसा ये 10 साल में इनको ऐसा जादू का मंत्र मिल गया है जो 10 साल बाद ये गरीबी हटाए, 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है तो कह रहे हैं कि गरीबी हटा देंगे। तो उनके जो बोल होते हैं वो आधे तो झूठे ही होते हैं, पहली चीज़। दूसरी, एक बार उन्होंने बोला था कि एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, आज तक निकलता ही रह गया। पता नहीं वो टेक्नोलॉजी कहाँ है, अभी तक नहीं हुआ। तो उनकी बातों पर भरोसा ना करिए, भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर 400 पार आने वाली है। तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी हैं जो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। आप जी, सर्वगीण विकास हो रहा है हर क्षेत्र में इस समय पर, पिछले 10 सालों में भारत का जो पूरे विश्व में जो एक स्थान है वो एक तरीके से पूरे तरीके से विश्वगुरु का दर्जा देने वाला लगातार बनता जा रहा है, और हमें आशा है कि आने वाले कुछ समय में भारत विश्वगुरु बनेगा और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे जो। देखिए, राहुल गांधी बीते विगत दिनों से जो है जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली उसका उन्होंने उनको कहीं ना कहीं रूप से जो है फल जरूर मिलेगा, लेकिन आप कहिए कि एकदम से देश की महंगाई कम कर देंगे, देश में एकदम से रोज़गार ले आएंगे, तो यानी आपका कहना है कि इस टाइम महंगाई बढ़ी हुई है और बेरोज़गारी चरम पे है? बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई इतनी है, आप बताइए घर में जो सिलेंडर आ रहा था 450 रुपये का आज 1100-1200 रुपये का आ रहा है, और जो हम लोग पेट्रोल भरवाते थे डीजल भरवाते थे 70-80 रुपये में वो आज 100 रुपये में हम लोग को मिल रहा है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिससे जीवन यापन होता है वो आज की डेट में बहुत महंगी है, और गरीब आदमी इससे बहुत परेशान है, और वो इस समय बहुत बहुत समझदार है और बहुत अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। राहुल गांधी ने अभी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है कि वो 30 लाख नौकरियां देंगे, तो जिस प्रकार से मोदी जी ने 2014 में कहा था कि वो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर यंगस्टर्स पे जो कि पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनको उनके दिमाग पे या उनको ले करके आप लोगों के बीच में जो आपस में बात होती होगी इस कमेंट को लेकर के, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ अयोग्य व्यक्ति भी नेता हो जाते हैं, उसके दो रीज़न है। मैं राहुल गांधी को टारगेट कर रहा हूँ ना मैं माननीय मोदी जी को टारगेट कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर आम जनता को लुभा पा रहे हैं, उनको प्रलोभन दे पा रहे हैं किसी भी प्रकार का, वो आपके दिए हुए प्रलोभन के जाल में फंस के आपको वोट कर रहे हैं, आपको नेता बना रहे हैं, तो इसीलिए हर सरकार अपना एक प्रलोभन देती है। और दूसरा, युवा है तो उसको रोज़गार तो चाहिए चाहिए, अगर युवाओं के लिए वो रोज़गार की बात कर रही है, उसका दावा कर रही है कि मैं ऐसा करूंगा या मैं इतनी वैकेंसियां दूंगा, इतनी नौकरियां दूंगा, तो जाहिर सी बात है तो युवा सरकार से अनभिज्ञ तो होगा नहीं, उससे दूर जाएगा नहीं, तो वो उसकी भी बात सुनेगा, उसको भी मानेगा, हाँ उसको भी ऐसा लगेगा कि हो सकता है, ऐसा भी नहीं, कहते हैं तो देते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं उतनी। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियों का, वही लुभावन एक स्टेटमेंट दिया गया है राहुल गांधी की भी तरफ से, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है नहीं? आपके हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना? एकदम नहीं पड़ना है। राहुल गांधी ने अभी 30 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक प्रॉमिस भी है, तो इसको लेकर के आप क्या देखती हैं? क्या ये जस्ट सेम लाइक मोदी जी ने जो 2014 में कहा था 2 करोड़ नौकरियां देने का, तो वो आपने देखा वो पूरा होता हुआ कहीं दिखा नहीं, तो क्या आप इसको भी एक तरह से उसी लाइनअप में मानती हैं? मेरा नाम वंशिका सक्सेना है, मैं बीए की थर्ड ईयर की छात्रा हूँ, और जो आपका सवाल था उस पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैनिफेस्टो तो एक तरीके से लुभावना ही होती है, मतलब जनता के लिए उसमें काफ़ी सारे वादे किए जाते हैं, कुछ पूरे होते हैं कुछ नहीं होते, सब सरकारें देती हैं अपना मैनिफेस्टो और वो पत्र जारी करती हैं, तो मोदी जी ने जो पिछली बार किया था उसमें, मतलब देखिए मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि जो जॉब देने की बात होती है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ आप सरकारी नहीं देते, आप लोगों को सशक्त भी करते हैं कि वो खुद जॉब दे, ना कि वो जॉब लें, वो जॉब दे दें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शायद मोदी जी ने कुछ काम अच्छे भी, मतलब उसमें भी अच्छे भी किए हैं। राहुल गांधी की जहाँ तक बात रही, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट कुछ इम्पैक्ट डालेगा
आजकल के आम चुनाव पे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा खास इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ये इम्पैक्ट नेगेटिव इस वजह से हो सकता है कि क्योंकि मोदी जी ने एक बार ये कह दिया था तो उसका वो डेविएशन आया नहीं। अब आपको लगता है कि राहुल गांधी इस पे कुछ, मतलब जो उनका स्टेटमेंट है ये कुछ आपको लग रहा है कि कुछ प्रोग्रेसिव है या फिर ये जस्ट आम लाइक कॉमनर्स है? मुझे कुछ खास उस पर तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है 2-4%, जैसे कि मेरे दोस्त ने बोला कि हो सकता है 3-4% का पड़ जाए फ़र्क, लेकिन बहुत ज़्यादा जनता उससे शायद प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि और बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। देश का विकास भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो और मुद्दों पर भी शायद जनता ध्यान दे और इसको शायद उतना इम्पोर्टेंट ना समझे। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आप क्या देती हैं? किसको? एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों में प्रतिनिधित्व हमारे यूनिवर्सिटी में, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एलयू में जैसे छात्र संघ था एक टाइम पे, उसके बाद बंद हो गया, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं यहाँ पे जिनका समाधान हमें चाहिए एक लेवल पे। मतलब छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उसके लिए हम, हर समस्या के लिए तो हम वीसी के पास नहीं जा सकते ना, तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान के लिए एक प्रतिनिधित्व मैं यूनिवर्सिटी के लिए मांग करती हूँ। बाकी तो सुनता है, डिपार्टमेंट्स भी सुनते हैं, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है जो चल रहा है। तो यानी आप छात्र संघ चुनाव के पक्ष में हैं? जी मैं हूँ। राहुल गांधी ने अभी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक और नया स्टेटमेंट डाला है कि वो 30 लाख नौकरियाँ हर साल निकालेंगे, तो इसको लेकर के आप सभी स्टूडेंट्स के मन में जो विचार आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट का आम चुनाव पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, मेरा नाम शिवांग सिंह है, लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ, तो ये बता रहा हूँ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए एटलीस्ट कोई आदमी तो है हमारे करंट राजनीति में कि जो रोजगार पे बात कर रहा है। नहीं, मोदी जी ने भी रोजगार पे बात की थी। मोदी जी ने क्या बात की है? मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों की वादा किया था। हाँ, तो दिया 2 करोड़ की बात किया था, इस बार बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यानी पिछले 10 सालों के चेंजेस को आप मतलब नगण्य मानते हैं? चेंजेस हुए ये नहीं, इसको ठुकरा नहीं सकते चेंजेस हुए, लेकिन उस इम्पैक्ट के साथ नहीं हुए जिसको ये दावा करी है सरकार। मैं कहना चाहता हूँ ना मस्जिदों को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, भूखे पेट केवल निवालों को जानते हैं। राहुल गांधी ने भी बयान दिया है कि 30 लाख नौकरियों का वादा किया है इलेक्शन मैनिफेस्टो का, और इलेक्शन का समय भी चल रहा है, इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? माने राहुल गांधी जी ने वादा किया है तो वादे को पूरा करेंगे, ना कि मोदी जी की तरीके से जुमला नहीं करेंगे। अगर वहीं आप 80 करोड़ को राशन दे सकते हैं, मैं कहता हूं आप 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे, 2 करोड़ नौकरी दे दीजिए। साहब हम रोज़गार चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए। और इसी के लिए हमारे कन्नौज से ही एक शायरी निकल के आई थी कि कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत पे फना, हमने मांगी नौकरी तुमने दिया नमक तेल चना। साहब हम नौकरी मांगते हैं, हम आपसे नमक तेल चना पे नहीं हैं। अगर आप हमको रोज़गार दे देंगे हम खुद में सक्षम हो जाएंगे, अब हमको रोज़गार दीजिए। हमारे हक की बात करिए, हम छात्र संघ बहाली चाहते हैं, हम छात्र हैं, आप सिंगल विंडो सिस्टम करिए। यहाँ छात्र आते हैं, इनकी कई समस्याएं आप देखिए, असाइनमेंट में एब्सेंट लग जाता है, असाइनमेंट में कई लोगों के असाइनमेंट में परीक्षा में एब्सेंट लग जाता है, कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। यहाँ छात्र दौड़ते रहते हैं, इनका समस्याओं का कोई निवारण नहीं है। मैं सिंगल विंडो सिस्टम के पक्ष में हूँ और NEP का सर्वथा विरोध करता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देखिए 6 महीने सिर्फ पढ़ाई हो रही है, 6 महीने पढ़ाई में 2 बार असाइनमेंट है, 2 महीने उसमें गए। अगर 2 महीने भी ठीक से पढ़ाई हो तो उसके लिए हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सराहना करेंगे, लेकिन 6 महीने में सत्र बदलता रह रहा है, परीक्षाएं 2 बार परीक्षाएं हो रही हैं, 2 बार असाइनमेंट देना है, उसके बाद एब्सेंट हटवाना है, छात्रों को लिए कोई हक हुकुम की बात नहीं है। अगर यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो हम इसका विरोध करते हैं। तो देखा आपने, आज के युवाओं से हमने बातचीत की, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के युवाओं से, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मत हैं इनके अपने, कोई सपोर्ट में भी है, कोई अगेंस्ट में भी है। तो देखा आपने आज यहाँ छात्रों ने क्या कहा, इनके विभिन्न प्रकार के मत हैं, कुछ फेवर में, कुछ अगेंस्ट में। तो देखते हैं इनके मत का या फिर इनके आइडियाज़ का आगे आने वाले समय में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।